कम से कम यहाँ तो तमीज से रह ले, तुझे पता नहीं हम यहाँ लड़की देखना आए हैं, चला। अरे नागेश जी कैसे हो? अरे मुंडा जी मैं अच्छा हूँ, आप सुनाइए। बस बढ़िया, हंसी खुशी से जिंदगी कट रही है। नमस्ते सर। नमस्ते। अरे नागेश जी बैठो। मधु मुनिराज, यार सच में आज मैं बहुत खुश हूँ, अब हम दोनों की दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी। हाँ नागेश मैं भी बहुत खुश हूँ। नागेश समय कितनी जल्दी बदल जाता है, इस सिवा को मैंने इतना सा देखा था, अब देखो कितना बड़ा हो गया। अरे मुनिराज मैंने भी तो तेरी बेटी काजू को इतना सा देखा था, अब वो भी जाने कितनी बड़ी हो गई होगी। भाई साहब आप तो ये चाहते हैं कि आपका बेटा बड़ा हो और मेरी बेटी कभी बड़ी ही ना हो। नागेश। हाँ। शिवाज शादी से खुश भी है या नहीं? हाँ बहुत खुश है, बस इसका पढ़ाई और काम को लेकर थोड़ा टेंशन चल रहा है। अभी से इतनी टेंशन लोगे तो मेरे काजू को कैसे खुश रखोगे? मुनिराज मेरा बेटा शिवा तुम्हारी बेटी काजू से अकेले में 2 मिनट बात करना चाहता है। तो क्या हुआ, ये तो आजकल आम बात है, इस बहाने से दोनों एक दूसरे को समझ भी लेंगे जिससे इन्हें आगे चल के कोई परेशानी ना हो। काजू बेटा जाओ। ये क्या कर रहे हो? अरे गुस्सा क्यों हो रही है मेरी जान, शादी के बाद तो ये सब कुछ होना ही है, क्यों ना इस चीज का मजा शादी से पहले लिया जाए। काजू बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही है? क्या हुआ बेटा? नागेश अपने बेटे को लेकर यहाँ से निकल जा, तेरे बेटे की जगह कोई और होता तो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाता। ओए क्या बोल रहा है तू, क्या करेगा तू, मुझे अभी जानता नहीं है। चुप। मुनिराज इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। नागेश इसे लेकर यहाँ से चला जा, मैं नहीं चाहता बरसों पुरानी दोस्ती दुश्मनी में बदल जाए। चल यहाँ से, चल। ओए सुन, तेरी बेटी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ गई है और जब तक मैं इसको अपनी ना बना लूं
मुझे चैन नहीं पड़ेगा। और अब तू सुन, तूने मुझे थप्पड़ मारा है ना, ये थप्पड़ तुझे बहुत भारी पड़ेगा। तुझे एक बार अपनी बना लूं, उसके बाद हर रात हर दिन तुझे इस थप्पड़ का एहसास करवाऊंगा। नागेश, तू इसे लेके यहां से निकल जा, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। और सुन, आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। पता नहीं कैसे संस्कार दिए अपने बेटे को, ये तो अच्छा हुआ वक्त रहते हमें पता चल गया, वरना पता नहीं क्या होता हमारी बेटी का। राजू, राजू कहाँ चले गए सुबह सुबह? नाश्ता कब का बना के रख दिया? राजू कहाँ चले गए? क्या हुआ तारा, किसको ढूंढ रही हो सुबह सुबह? और किसे, तुम्हारे भाई को, अपने देवर राजू को। पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चले गए, नाश्ता भी ठंडा हो रहा है, उन्हें कोई फिक्र नहीं है। अरे उसे तो मैंने खेतों की ओर जाते देखा। तो जाके बुला के लाओ ना उन्हें। अरे यार तुम्हें तो पता ही, पूरे 5 किलोमीटर का रास्ता है, मैं तो वैसे थक जाऊंगा, पहले मुझे तो नाश्ता दे दो। ऐसा है, साथ में बैठ के खाएंगे, जाके बुला के लाओ। जाओ। अरे यार राजू भैया ना कहाँ चला गया, मुझे परेशान करता रहा। 5 किलोमीटर का रास्ता, मैं तो वैसे थक जाऊंगा यार। आ गई तू, मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा था। भैया कौन आ गई भाई, किसका इंतजार कर रहा है सुबह सुबह? कोई भैया कोई नहीं, मैंने तो तुम्हें आते हुए देख लिया था, मैंने सोचा आज भैया से मजाक ही कर लूं। मजाक कर रहा है या और कोई बात है? ना भैया और कुछ बात ना है। छोड़ो भैया, तुम यहाँ क्या करने आए हो? तेरी वजह से इतनी दूर पैदल चल कर आना पड़ा मुझे। मेरी वजह से? और क्या, क्यों? तेरी भाभी जब से तेरा इंतजार कर रही, नाश्ता भी ठंडा हो गया, चल घर जल्दी चल। चलो भैया। हाँ चल। भैया मेरा फोन वहीं रह गया। ठीक है जल्दी जा, कभी और कोई उठा ले। ठीक है भैया। और हाँ जल्दी आ जाइए, यानी यार तेरी भाभी फिर मुझे सुनागी। क्या बात भैया, तुम भाभी से बड़े डरो। डरना पड़ा है भैया, अभी तेरे 7 दिन हुए ना, तुझे ना पता ही ना औरतों के बारे में। ठीक है भैया तुम जाओ, मैं आता हूँ। ठीक है जल्दी आ जाइए। ठीक है भैया, ठीक है जाओ। ठीक है। क्या हो गया, कैसे गिंडोड़े जैसा मुंह खुला रखा है? ले भाई, एक हम है जो बिना हगे मुत्तो बिना कुछ खाए पिए सुबह से तेरा इंतजार कर रहे हैं, और तू है नखरे दिखा रही। काजू हुआ क्या है बता तो सही। तो बस यही पूछता रही कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, वहाँ मुझे कोई और ब्याह के ले जाएगा, जाने कैसे कैसे शकल के तो मुझे देखने आ रहे हैं, ऊपर से उल्टी सीधी हरकतें और करने लग रहे हैं। अरे काजू इसमें उनकी क्या गलती है, तू है ही इतनी कमाल की चीज, दिल तो उनका फिसलेगा ही तुझ पे। राजू तू ज्यादा मत बने, अब अपनी भाभी भैया से बात कब करेगा वो बता। कहेंगी शादी की? कर लूंगा यार, लेकिन भाभी भैया कहते हैं कि फ्यूचर पहले उसके बाद शादी। बस तो अपना फ्यूचर ही देख, मुझे तो तू भूल ही जा। राजू सुन तो सही, कहाँ चल रही, सुन तो सही। तू यार नाराज मत हो, कर लूंगा मैं शादी की बात। भैया भाभी से बात, तुझे कहते कहते पूरा साल बीत गया,
कम से कम भैया से ना सही, भाभी से तो बात कर ही सकता है, वो भैया से बात कर लेंगी। ठीक है यार, मैं भाभी से बात कर लूंगा और भाभी भैया से कर लेंगे। पक्का ना? हाँ हाँ बाबा पक्का। ठीक है। राजू। हाँ काजू। यार तेरे अलावा मुझे कोई और देखे मुझे अच्छा सा नहीं लगता। अच्छा? हाँ सच्ची में मजाक नहीं कर रही। सच कह रही हूँ, मजाक नहीं। ललित यार अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। पहले तो ये घर वाले निठल्ला निकम्मा कामचोर क्या कह रहे थे, अब ये गांव वाले भी कहने लगे। सही कह रहा है यार विकास, अब इन गांव वालों को पत्थर का जवाब ईंट से देना पड़ेगा। ओहो ईंट टूट ना जाने की, कहना तो सीख ले, जो ऐसा कहा जाए ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। सही कह रहा है यार विकास, पर हम करेंगे क्या? अब देख ये गाँव वाले मेहनत मजदूरी करके ही मट्टी फाँकते फाँकते मर जाएंगे। ठीक, हम करेंगे बिजनेस। बिजनेस? बिजनेस कैसा? अब देख सब तो कर रहे हैं दिन में काम, हम करेंगे रात को। रात में तो चोरी हो कर रहे हैं। अब हाँ चोरी वाला बिजनेस तो करेंगे हम। अबे चोरी करेंगे तो पुलिस ना पकड़ने की? अबे पकड़ तो जब जाएंगे, जब कोई रिपोर्ट करेगा। यार मेरा दिमाग घूम रहा, कहना क्या चाह रहा ढंग से समझा यार। अबे देख गर्मियों का चल रहा मौसम, मच्छर लग रहे हैं बहुत, हम रात को जाएंगे और मच्छरदानी चुराएंगे, और उनका रंग बदल बदल कर उन्हीं बेचेंगे जिनकी चुराई, और 150-200 रुपये की मच्छरदानी मिला है, कौन रिपोर्ट कर रहा है उसके लिए? बा यार क्या आइडिया है, अब दोनों मिलकर करेंगे बिजनेस। बल ललित विकास और बड़े सीरियस होकर बात कर रहे दोनों, क्या बात कर रहे भाई? और राजू तने हमारी बात तो ना सुनी? यार सुनी तो ना है, पर बता दो क्या बात कर रहे थे? अरे बात क्या यार राजू, तो ये बताइए गांव वाले हमें ताना दे में, घर वाले हमें ताना दे में, कोई हमें निठल्ला कहवे, कोई निकम्मा कहवे, अरे बाजी बाजी तो काम चोर भी कहवे, अब इन घर वालों के और गाँव वालों के ताने सुन के हम पक गए। लेकिन बस अब हम बिजनेस करेंगे, अब इन गांव वालों को दिखा देंगे हम क्या चीज है। क्या कह रहे हैं, बिजनेस करोगे? बिजनेस करोगे? वाह यार करो करो बिजनेस करेंगे। अबे यार ये गांव वाले हमें समझते क्या हैं, या तो हम पागल हैं या हमारे माथे पे लिख रहा सी। सी लिख रहा मतलब? अब ये समझाने जो बतना है, जितने फिल्म देख रहे हैं ना सब समझदार है, इन्हें सबको बता सी का मतलब, तू अपना अगला डायलॉग बोल। और डायलॉग ना थे मेरे, इतने ही थे। चल तो अब देख सुन मेरी बात, चोरी करने चलेंगे दूसरे गांव में, पहले का दिन है कभी पकड़े जाए आप सुगुन हो जा रहे, यहीं धबड़ा ले हमें। ठीक है? ठीक है चल तो। तुम वहां तक गए भी थे या नहीं? पूरे 3 घंटे हो गए, राजू अभी तक नहीं आए। अरे यार तारा मैं क्या करूं, राजू तो मेरे साथ चल दिया था, उसने कहा मेरा मोबाइल रह गया, तू चल मैं पीछे पीछे आता हूँ, लेकिन देख लो अभी तक नहीं आया। जाओ दोबारा जाओ, जाते हो या नहीं? यार तारा ऐसा मत करे, पूरे 5 किलोमीटर का पड़ गया एक चक्कर, मैं तो एक बार में थक गया, दोबारा जाने की हिम्मत ना मुझमें। जाओ दोबारा जाओ। ठीक है जाता हूँ जाता हूँ। यार इन्हें तारा ने भी परेशान कर दिया, 5 किलोमीटर तो पहले चल के गया था, 5 किलोमीटर और थक चलना पड़ेगा। हाँ यार हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है जो राजू तू घर आ गया। क्या हुआ भैया ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे यार तेरी भाभी बता के उससे पूछ ले भैया, मैं इतना कुछ काम वूम देख लूं। हाँ भाभी क्या हो गया? क्या हो गया, कहाँ गए थे सुबह से, तुमने नाश्ता भी नहीं किया, अब तुम्हारी ये सजा, तुम्हें नाश्ते में सीधा खाना मिलेगा। कोई बात नहीं भाभी मैं लंच ही कर लूंगा। अच्छा भाभी तुम पूरे दिन सारा काम करती हो, थक जाती होंगी, अगर तुम्हें काम में किसी की मदद मिल जाए करेगी तो कितना अच्छा रहेगा। अच्छा देवर जी लो करो मदद। अच्छा भाभी मैं अभी कब तक आपकी मदद कर दूंगा, मुझे भी बहुत सारे कामों में, अगर भाभी कोई ऐसा आ जाए जो पूरे दिन हर काम में तुम्हारा हाथ बटावे तो कितना बढ़िया रहेगा। अरे मेरे राजू मेरे देवर मैं समझी नहीं, साफ साफ बताओ। भाभी ब्याह करवा दे मेरा। ब्याह? अजी हाँ ब्याह। भाभी ब्याह करवा दे मेरा।
शाम दिन रात देवर जी एक ही राग अलापो ना, सुबह शाम दिन रात देवर जी एक ही राग अलापो ना। घर वाले जो करे फैसला, घर वाले जो करे फैसला, सब कमान तो राखो ना। ब्याह करूं था। हाँ हाँ मुझे सब पता है, मैंने सब देख लिया जब तू राजू साथ ठुमके लगा रही थी। अरे मुझे तो उस पर तभी शक हुआ था जब मैं उसे लिवाने कोई पे गया था। राजू को लड़की पसंद आ गई है, राजू से जाके बोल दो लड़की और लड़की वाले यहीं आ जाएंगे, वो हमारे साथ साथ हमारा घर भी देख लेंगे क्योंकि उनकी लड़की को हमारे घर ही तो रहना, और शादी की बात भी कर लेंगे। ठीक है भाभी, क्या कहा भैया ने? अरे मान गए क्या? भाभी आप कितनी अच्छी हो। यस, और मेरा काजू से ब्याह होगा भाभी, काजू से। ये जब से उसे देखा है मुझे चैन नहीं मिल रहा है। उसे तो मैं अपनी बना कर रहूंगा, लेकिन मैं इतनी दूर से कर भी कह सकता हूं, करीब 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 कैसे जाऊं उसके करीब। हाँ, उसके गांव के पास में दीदी का घर है, पहले दीदी के गांव में जाता हूं, वहीं से होगा मेरा उद्धार। Thank you.
ले बोल। डर क्यों है, बिजनेस पे फोकस रखो, बिजनेस पे। ओके। बाबूजी मुझे माफ कर दो बाबूजी, मुझे कुछ ना पता बाबूजी, मैं तो भोया का लौंडा लेवा गया यार, मैं तो पैसे नींद में चलने आया था कि। अब विकास ज्यादा एक्टिंग मत कर, ये मैंने फोन की लाइट जला रखी। अब लाइट तन्ने जलाई है, कुछ जलाई हो? अरे विकास यार अंधेरा होता, मैंने सोचा चांद ना दिखा दूं। अब चांद को बिजली का तार जोड़ लूंगा मैं, मुझे लाइट को जला बंद करी से। ये मजदा ने चुरा। मच्छरदानी कौन ले गया? मैं भी दिखाऊं सारी रात मच्छरों ने को काटा। अरे कौन ले गया भैया मच्छरदानी? अबे उत्ती को मेरे मच्छरदानी कौन लेगा? मधु मेरी मच्छरदानी हटाई क्या? मैंने ना हटाई, मुझे मेरी खुद की नहीं पता कहाँ गई। मम्मी मेरी मच्छरदानी भी गायब है। तेरी भी गायब है? लगता है मच्छरदानी चोरी हो गई। लो बताओ, अब मच्छरदानी भी चोरी होने लगी है? तो बगैर मच्छरदानी के तो नींद भी नहीं आएगी, अब नई मच्छरदानी खरीदनी पड़ेगी। मेरी मच्छरदानी चुराई किसने? मेरी मच्छरदानी कौन ले गया? लगता है चोर ले गए। भैया रात हमारे तो मच्छरदानी चोरी हो गई। हाँ भैया मेरी भी हो गई चोरी, भैया रात चोर फिर रहे मच्छरदानी के। गांव में चोर आ गए। हाँ जी। नमस्ते। नमस्ते। आज सिवा को हो क्या गया है? जब से शादी हुई है पहली बार नमस्ते करी इसने। क्या हाल है राजू? अरे सिवा मैं बढ़िया हूँ, तू बता। दीदी नमस्ते। नमस्ते शिवा, तू यहाँ कैसे? क्यों दीदी, आ नहीं सकता क्या? तुम ही तो बोलते हो किसी बार आता नहीं है, आता नहीं है। अब पूरे 2 महीने के लिए आया हूँ यहाँ मैं। क्या 2 महीने? क्यों, मेरा भाई यहाँ पे रुक नहीं सकता क्या 2 महीने के लिए? पर 2 महीने तो भैया क्या हो गया? देखो आप भी काम करने इधर उधर चले जाते हो और मैं भी इधर उधर घूमते रहता हूँ, अगर शिवा यहाँ रहेगा तो भाभी का मन अच्छे से लग जाया करेगा। जीजा जी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं अभी यहाँ से चला जाऊंगा। अच्छा कहाँ चला जाएगा? जब तक तेरा मन करे तो यहीं रुक, 2 महीने या 3 महीने। ठीक है दीदी। अच्छा शिवा ये बता पापा कैसे हैं? पापा बढ़िया हैं। चल तो तू कपड़े बदल ले, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है। हाँ भैया अब बता क्या बात है, बिना बात के तो तू यहाँ नहीं आया। आना तो ठीक है लेकिन 2 महीने के लिए? दीदी दरअसल बात यह है, मुझे एक लड़की पसंद आ गई है, उसका गांव आपके गांव के पास में है। मेरे यहाँ से वो दूर गांव पड़ता है तो मैंने सोचा यहाँ से कोई बात बन जाए, तो बस इसीलिए। वो सब तो ठीक है, तेरे पसंद से क्या होता है, तू भी तो उसे पसंद आना चाहिए। चुप! मुझे उसकी पसंद ना पसंद से कोई मतलब नहीं है, वो मुझे पसंद है मेरे लिए इतने काफी है। वो मेरी है और मैं उसको किसी और का होने भी नहीं दूंगा, चाहे मुझे बीच में आने वाले को जान से क्यों ना मारना पड़े। ले लो मच्छरदानी। अबे ऐसा ना बिकती आता तो पौधी ना बिका है। मच्छरदानी ले मच्छरदानी।
150 किलो मच्छरदानी, सतरंगिया मच्छरदानी, लीली पली, हरी काली, गुलाबी बैंगनी। भैया गर्मी इतनी हो रही है यार। बिका ये तो बिकता है नारी। भाई यार है ना बिकने की, है सब का मच्छरदानी है, ये बिकेंगी वहाँ जहाँ इनकी जरूरत है। हमें पता कैसे चलेगा इनकी जरूरत कहाँ है? राजोत बना के नाएंगे हम, जिस मोहल्ले में चुरा गला इस मोहल्ले में बेचना, चल वहीं बिकेंगी ये, वहीं ले चल तू साइकिल। अब है बैठा मीजे हेलीकॉप्टर पर, बना दे सांप एकदम इसका, गेयर बद दिए, ले लो मच्छरदानी। मच्छरदानी ले लो। ओ मच्छरदानी वाले भैया, और रघु सुनिए जरा, दे दो भैया मच्छरदानी कैसे दे रहे आप? मेरी तो रात सूरी का पति, कुतिया का बच्चा, सुअर का बच्चा, हराम ज्यादा, इतने लंबे लंबे कीड़े पड़ेंगे, सड़ के मरेगा, मेरी मच्छरदानी ले गए रात चुराएगा। चाचा पहले मच्छरदानी ले ले, गाली बाद में दे लिए। लादे कैसे दे रखी? चाचा 150 रुपए की दो है, ये बताओ देनी कितनी? कितनी क्या, ला सहरी दे दे। ला तो ला सहरी ले लो, लो। भाई एक दे एक। तो ये को कहो ना, नहीं करे कितने दे दे लो, लाओ जल्दी 75 रुपए निकाल लो मेरा पैर। भैया एक मच्छरदानी मुझे भी दे दियो, कोई हराम का बच्चा साला हमारी मच्छरदानी ले गया। अबे भैया गाली बाद में दे लिए, जब हम चले जामे जो मुझे मिल जावे ना तो साले की टांग तोड़ दूं। कह रुपए की दे रखी है? 75 रुपए की है भैया। ला दे दिए एक मच्छरदानी। ले भैया ले, ला पैसे दे जल्दी। विकास, ललित, वे वो क्या करते फिर रहे तुम दोनों? अबे राजू हमने तो उससे कही थी ना बिजनेस करेंगे, देख कर लिया बिजनेस। हाँ यार कर तो लिया, लेकिन यार तुमने बिजनेस बहुत तखड़ा किया, क्या बात। ओए भूल मत, कोई बिजनेस बड़ा छोटा नहीं होता। बात तो सही कह रहे हैं यार। चल यार राजू छोड़ तू, एक आधी मच्छरदानी चाहिए तो बता। ना यार मुझे ना चाहिए, हमारे तो बहुत सारी हैंगी। बहुत सारी कहाँ है, कहाँ है? अरे तू इतना खुश क्यों हो रहा, क्या बात है? अबे ये तो पागल है यार, तू और बता राजू क्या हो रहा। होना क्या यार, कल लड़की वाले आ रहे मेरे रिश्ते की बात करने। अबे तेरी शादी हो रही? हाँ। बारात में जाएंगे और मच्छरदानी चुरा के लाएंगे, पर बारात रात की रखना। क्या? अबे यार राजू ये पागल है, ये रसगुल्ले कह रहा, जब से हमने मच्छरदानी का बिजनेस करा इसकी जुबान से मच्छरदानी ना हट रहा। तो ठीक है कल मेहमान आ रहे हैं, आ जाइए दोनों। देख भाई राजू हमें बिजनेस वाले इंसान, इतना टाइम कहाँ हमारे पास, पर टाइम लगेगा तो हम आ जाएंगे। ठीक है ना? ठीक है ठीक। चल भाई चल ललित। चल मैंने कहा था ना कि भाभी से बात कर लो, भाभी भैया से बात कर लेंगी, देखो मान गए ना दोनों। हाँ बाबा तुमने जो साड़ी कही थी वही ली है मैंने, और पापा को भी। हेलो काजी, हेलो हुआ।
हाँ दीदी। शिवा कहाँ है तू? घर में इतना सारा काम पड़ा है, कल को मेहमान आने वाले, तेरा कुछ पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता फिर रहा है। चल जल्दी घर आ रहा हूँ। कहाँ गए ये दोनों के दोनों? इतना सारा सामान लाना है, मेहमान भी आने वाले हैं, पता नहीं कब आएंगे। दीदी कहाँ से आ रहे हैं मेहमान? अरे वो पास के गांव से आ रहे हैं। वो बात ऐसे है कि राजू ने एक लड़की को पसंद कर लिया और उस लड़की ने राजू को पसंद कर लिया। अच्छा। बस उसी के चक्कर में उसके मम्मी पापा बात करने आ रहे हैं। अच्छा। अब तेरे जीजू वो दोनों मिलकर बात कर लेंगे ताकि आगे जाके कुछ दिक्कत ना हो। क्या बात है, राजू भी लव मैरिज कर रहा है अब तो। तो ये सब छोड़, ये सामान ला देगा? हाँ ला दूंगा। जल्दी लिया, बहुत देर हो गई। और बताओ मौसा जी। बढ़िया जी बढ़िया। बड़ी देर लगा दी, क्या बात? बस हो ही जाता थोड़ा बहुत। आओ मौसा जी बैठो। नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। ये भाभी है मेरी। नमस्ते। 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 कैसी हो? अच्छी हूँ। नाश्ता लो। ललित, विकास, अब अब इससे पूरे सात फेरे लेके मारने का क्या? यार भला बिजनेस करा तुम दोनों ने, हर टाइम मच्छरदानी मच्छरदानी। आओ इधर नाश्ता कर लो। अरे ये मेरे दोस्त हैं। ये दोस्त? इन्हें तो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तुम कैसे जानो चाचा हमें? ऐसा कौन सा दिन बचता होगा जिस दिन तुमसे मच्छरदानी ना खरीदता हूँ ना मैं? इतनी मच्छरदानी का तुम करते क्या हो? अरे पता नहीं कौन रोज मेरी मच्छरदानी। बस करो, ये बातें यही करनी जरूरी है क्या? बेटा आके बैठो तुम। आ जाओ आ जाओ इधर को। बेटी इनका मुझे घर बार, इनका रहन सहन बहुत अच्छा लगा। इस रिश्ते से मुझे तो कोई ऐतराज है नहीं, आप बताओ जी। देखो जी, हमें तो अपने राजू की पसंद पर डाउट था, लेकिन जब से हमने काजू को देखा है ना, हम तो बस यही सोच रहे हैं काजू ने राजू को पसंद कैसे कर लिया। देखो जी हमारी तरफ से तो हाँ है, लेकिन हमारी एक शर्त है, हम दहेज नहीं लेंगे। आपको दहेज दे कौन रहा है? जो देंगे हम तो अपनी बेटी को देंगे। अरे ये कौन? अरे हमारे साले साहब हैं। अच्छा। चले गए मेहमान? हाँ चले गए। राजू और तेरा आदमी कहाँ है? शिवा तू ये कैसे बोल रहा है? तुझसे जितना पूछ रहा हूँ उतना बता। खेतों पे गए हैं। अब तो खुश है ना मुझे उलझन में डालकर? शिवा तू कहना क्या चाहता है? तो सुन, तुझे बताया था ना कि मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ और मैं उसको किसी और की होने भी नहीं दूंगा, जो बीच में आएगा उसे जान से मार दूंगा।
बताया था ना? बताया था। तो फिर तूने उसी लड़की की शादी राजू से क्यों तय करवा दी? क्या काजू वही लड़की है? हाँ वही लड़की है। देख ये शादी मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा, तू कैसे भी करके इस शादी को रुकवा। पर काजू और राजू तो एक दूसरे को पसंद करते हैं। मुझे किसी की पसंद नापसंद से कोई मतलब नहीं है। काजू मुझे पसंद है, मेरे लिए इतने काफी है, और मुझे काजू चाहिए। शिवा को बात को समझ, पागल मत बन। हाँ मैं पागल हूँ, बता मदद करेगी या नहीं करेगी? शिवा तू ये क्या कर रहा है? बोल देगी मेरा साथ? तू कैसी बहन है रे, अपने भाई की खुशी के लिए उसका साथ नहीं दे सकती? वरना बहन तो भाई के लिए जान तक दे देती है। भाई तू जान ले ले, लेकिन मेरा देवर उससे बहुत प्यार करता है। अच्छा तो तुझे अपने भाई से ज्यादा तुझे अपना देवर प्यारा है, फिर तो ठीक है, मैं अपनी जान ही दे देता हूँ। बता तुझसे आखिरी बार पूछता हूँ, तू मेरा साथ देगी या नहीं? हाँ शिवा मैं तेरी मदद करूंगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा रे? मतलब मैं तेरा साथ दूंगी, तुझे तो काजू मिल जाएगी, इसमें मुझे क्या मिलेगा रे?